नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। भारत के सामने झुका नेपाल। भारत के सीमा विवाद को हवा देने वाले नेपाल ने संवैधानिक संशोधन को फिलहाल हटा दिया है, जिसके तहत नेपाल भारतीय क्षेत्र को अपना बता रहा था। संविधान संशोधन के बाद नेपाल के मैप को आधिकारिक तौर पर नया रूप मिल जाता। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नेपाली एजेंटों ने अचानक से अपना फैसला क्यों बदल लिया। सरकार द्वारा विपक्षी नेपाल कांग्रेस के साथ मिलकर उठाए गए भारत विरोधी कदम को केंद्रीय समिति की बैठक में मंजूरी मिलना अभी भी बाकी है, जिसकी जानकारी काठमांडू पोस्ट नेपाली कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौली ने दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि मानचित्र को अपडेट करने का निर्णय आगामी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में लिया जाएगा, इसलिए पार्टी ने फिलहाल संशोधन को कुछ समय के लिए टालने का फैसला लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, नेपाली सरकार ने पिछले हफ्ते देश का नया नक्शा जारी किया था, जिसमें भारतीय क्षेत्र लिपुलेख, कालापानी, लिम्पिया धुरा को अपना बताया गया था। खबरों की माने तो 1816 से भारत और नेपाल के बीच यह विवाद देखने को मिल रहा है। SBI ने अगस्त तक EMI की किश्त चुकाने की बढ़ाई अवधि। SBI ने अपने सभी ग्राहकों को लोन की EMI भरने में राहत देने का फैसला जारी किया है। COVID-19 के इस माहौल में बंद से लोगों को राहत देने के लिए बैंक ने यह फैसला लिया है, जिसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 महीने लोन पर मैराथोरियम बढ़ाने के लिए कहने के बाद SBI ने इस बात का फैसला लिया है। अब बैंक अपने ग्राहक को SMS भेजकर उनके EMI को बढ़ाने के लिए अनुमोदन की मांग करेगा, जिसके तहत ग्राहकों को 3 महीने तक लोन की EMI चुकाने में छूट दी जाएगी। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने EMI के भुगतान पर 3 महीने के अतिरिक्त छूट का ऐलान किया है, जिसके तहत अब आने वाले 3 महीने तक अगर कोई ग्राहक EMI नहीं देता है तो उस पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जा सकेगा। COVID-19 के समय में घर से काम कर रहे कर्मचारियों को गूगल देगा 75,000 रुपए एक्स्ट्रा। COVID-19 की वजह से पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग आज घर से काम करने पर मजबूर है, जिसके तहत गूगल के कर्मचारी भी फिलहाल घर से काम कर रहे हैं। वहीं गूगल ने जुलाई से अपने कर्मचारियों को ऑफिस बुलाने का ऐलान जारी किया है। बीते दिन कंपनी की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि 6 जुलाई को कंपनी अलग अलग शहरों में 10% कर्मचारियों के साथ ऑफिस खोलने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। अगर सब कुछ रहा तो सितंबर तक 30% कर्मचारियों को ऑफिस बुलाया जाएगा। इसके साथ ही गूगल ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि जो कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं उन्हें कंपनी की तरफ से अलाउंस के रूप में $1,000 या इसके बराबर उनके देश की करेंसी के हिसाब से दिया जाएगा। यानी कि भारत में जो लोग भी गूगल की तरफ से काम कर रहे हैं उन्हें 75,000 के करीब रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अमेरिका से भारतीयों को लाने के लिए आज भेजा गया एक और विमान। दूसरे देश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन की शुरुआत की थी, जिसके तहत आज उनके दूसरे चरण के तहत एयर इंडिया ने वाणिज्यिक उड़ान को संचालित करने का निर्णय लिया है। आज अमेरिका के विभिन्न भागों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए दूसरे चरण के तहत 28 मई से 15 जून तक 11 उड़ानों का संचालन किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप 11 उड़ानों में से 4 शिकागो से, 2-2 उड़ान सैन फ्रांसिस्को और वॉशिंगटन DC से और न्यूयॉर्क से 1 और 1 नेवार्क से संचालित होगी, जिसकी जानकारी भारतीय दूतावास की तरफ से जारी की गई है। दूतावास ने कहा है कि विमानों में सीटों की संख्या सीमित होने के चलते भारतीय नागरिकों और OSI कार्ड धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं आगे वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण की योजना बनाने पर भी काम किया जा रहा है, जिसका संचालन अमेरिका में 15 जून से शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री किसान स्कीम के 45 लाख किसानों को मिलेगा 4% पर लोन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड को जोड़ने के बाद देश के लगभग 70 लाख किसानों ने सस्ता लोन लेने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद उन्होंने KCC के लिए आवेदन किया, जिसमें से 45 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार खेती के लिए सिर्फ 4% का नाम मात्र ब्याज पर किसानों को लोन मुहैया करवा रही है। और यही कारण है कि सरकार ने किसान सम्मान निधि स्कीम के आधार पर ही किसानों को KCC जारी करने का प्लान बनाया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, COVID-19 के इस माहौल में किसानों को राहत देते हुए सरकार ने उक्त घोषणा की है। Super 30 के संस्थापक ने ग्रामीण विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाने की जताई इच्छा। Super 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने CSE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर ग्रामीण छात्रों को IIT जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग परीक्षाओं की तैयारी करवाने की पहल 1 रुपए की फीस में शुरू की है, जिसकी जानकारी ई गवर्नेंस कंपनी ने बीते दिन दी है, जिसके तहत कंपनी ने बताया है कि आनंद कुमार एक खास तरह का मॉड्यूल ऑनलाइन तैयार करने जा रहे हैं, जिसके जरिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा, वह भी मात्र 1 रुपए की फीस में। यह छात्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बैठने लायक बन सकेंगे। इन केंद्रों के जरिए ग्रामीण इलाके और छोटे शहरों में कई तरह की सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। आपको बता दें, आनंद कुमार आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 1 साल तक रहने की जगह और पढ़ने का सामग्री देते हैं। इंटर स्टेट सफर करने के लिए ई पास पाना हुआ आसान। COVID-19 के कारण बंद के चौथे चरण में सरकार ने इंटर स्टेट मूवमेंट की अनुमति दे दी थी। इसके लिए आप सभी आम नागरिकों को पास मुहैया करवाया जा रहा है। इसके लिए एक वेबसाइट लॉन्च की गई है। सरकार ने चौथे चरण के बंद के साथ ही serviceonline.gov.in/epass/वेबसाइट को लौंच किया है, जिससे कि अब केवल 17 राज्य में मूवमेंट के लिए अनुमति दे दी गई है, जिसके द्वारा सरकार ने यह साफ कहा है कि अगर कोई जरूरी काम है तो अब आम जनता अपने होम टाउन जा सकती है और इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए ई पास ले सकते हैं। हालांकि विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग वेबसाइट को जारी किया गया है, जिसका परिणाम स्वरूप अब आम नागरिक को पास के लिए जिन राज्यों में जाना है वहां की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के पास के लिए अप्लाई करना होगा। गर्मी के बीच इन राज्यों में मिलेगी राहत।
भारत के कई राज्यों में गर्मी से बुरा हाल है। राजस्थान समेत कई राज्यों का तापमान 46 डिग्री से पार पहुंच चुका है। राजधानी दिल्ली में बीते दिन तापमान 47.5 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया था। हालांकि मौसम विभाग के माने तो आने वाले कुछ दिनों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश देखने की संभावना है। दक्षिणांतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग स्थानों पर भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों और दक्षिण हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ में गर्म हवाओं से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। कोविड-19 के कारण डिजिटल इंडिया में तेजी आने की कही गई बात। इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली ने भारत में डिजिटल इंडिया में बढ़ोतरी होने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के कारण सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन खरीदारी करना चाहेंगे, जिससे इंटरनेट का इस्तेमाल भी बढ़ेगा, डिजिटल अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी। कंपनी ने आगे कहा है कि बहुत बड़ी संभावना है कि किराना कारोबार में ऑनलाइन पैठ बढ़ेगी और कई स्टार्टअप इस प्रक्रिया को और बढ़ावा देंगे। भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों में 30% लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जबकि यह आंकड़ा चीन में 78% और अमेरिका में 70% से अधिक है। इसलिए इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में 67 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता 2027 तक बढ़कर 91.4 करोड़ हो जाएंगे और ऑनलाइन खरीदारी करने वाले लोगों की संख्या 19 करोड़ से बढ़कर 59 करोड़ हो जाएगी। इसके साथ ही मॉर्गन ने रिलायंस जियो की भूमिका की भी सराहना की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि रिलायंस जियो की 4G दूरसंचार सेवाओं के दिसंबर 2016 में शुरुआत होने से भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था में तेजी आई है। इससे तेज, भरोसेमंद, सस्ते 4G सेवाओं का विकल्प बढ़ा है। अमेरिका में भारतवंशी साइंटिस्ट को किया गया पुरस्कृत। भारतवंशी जहां जाते हैं वहीं अपनी छाप छोड़ाते हैं, इसी का प्रमाण मिला है। हाल ही में अमेरिका में 250 से अधिक पेटेंट दर्ज करने वाले भारतवंशी साइंटिस्ट राजीव जोशी को मिले पुरस्कार के बाद, खबरों की माने तो अमेरिका में 250 से अधिक पेटेंट दर्ज कराने वाले भारतवंशी साइंटिस्ट राजीव जोशी को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को बेहतर बनाने के योगदान के लिए इन्वेंटर ऑफ द ईयर से पुरस्कृत किया गया है, जो कि इसी महीने के शुरुआत में न्यूयॉर्क बौद्धिक संपदा संघ ने एक आभासी पुरस्कार समारोह के दौरान प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार राजीव जोशी को दिया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राजीव जोशी IIT मुंबई के छात्र रह चुके हैं और उन्होंने MIT में भी डिग्री हासिल की है। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhD की डिग्री भी ले रखी है। महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट को लेकर साक्षी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट को लेकर आए दिन तरह तरह की खबरें सामने आती रहती है। वहीं इसी बीच बीते दिन ट्विटर पर धोनी के रिटायरमेंट की खबर एक बार फिर से तेजी से ट्रेंड कर रही थी, जिसके बाद लोगों ने यह अंदाजा लगाया कि शायद बंद के माहौल में धोनी ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। जिसके बाद धोनी की पत्नी साक्षी ने इन अफवाहों पर करारा जवाब दिया है, जिसके तहत साक्षी ने कहा है कि यह सारी खबरें गलत है। उन्होंने आगे लिखा है कि जब यह सिर्फ अफवाहें, मैं समझ सकती हूं कि बंद ने लोगों को मानसिक रूप से अस्थिर कर दिया है। ट्वीट करने वाले, जाओ अपना काम करो। सिर्फ इस बार ही नहीं, धोनी के संन्यास की खबर आए दिन सुनने में मिल जाती है और आए दिन साक्षी सामने आकर इस पूरे मामले को संभालती है। हालांकि BCCI की तरफ से भी इस बात की कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार SBI द्वारा EMI भरने में 3 महीने के अतिरिक्त छूट मिलने से आम नागरिकों को कितनी सहूलियत होगी? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।